आज हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 एंड नेम है चैप्टर का, नाम है चैप्टर का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, नोटबुक आप लोग निकाल लीजिए और मोशन वर्ड से ऑलरेडी आप फैमिलियर हैं, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म मोशन, इसे आप परिचित हैं। मोशन सेवेंथ क्लास, एट क्लास, सिक्स क्लास में आपने मोशन के बारे में पढ़ा है, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इवन आप नाइन्थ क्लास में डिटेल से पढ़ा है मोशन के बारे में। हम काइनेमेटिक्स की बात करने जा रहे हैं। एक काइनेमेटिक्स क्या है इस बात को समझिए। काइनेमेटिक्स एक तो मोशन क्यों होता है उसके कॉज के बारे में जानना, कॉज ऑफ मोशन, बात को ध्यान रखें। कॉज ऑफ मोशन, मोशन का क्या कारण है, राइट? क्यों कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, ठीक? इसमें आप काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स फिजिक्स के किस ब्रांच को बोलते हैं इस बात को समझिए। टू डिस्क्राइब मोशन, टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट, ध्यान देना है यहां, हम मोशन का स्टडी करने जा रहे हैं, मोशन के डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें साफ साफ आपकी बुक एनसीईआरटी में लिखा है, आप उसको पढ़ेंगे तो विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। आपको सुनने में बड़ा सा अजीब बात लगेगा कि काइनेमेटिक्स, राइट, काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आप मोशन के बारे में पढ़ेंगे बट विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। मोशन का क्या कारण है इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मोशन को फिजिक्स में दो हिस्से में बांट दिया गया, एक स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द कॉज ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मोशन का क्या कारण है और कॉज ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे कि मोशन का कारण क्या क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों होता है, व्हाई,
उस ब्रांच को फिजिक्स को आप न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से जानते हैं, और ये आपको 11th क्लास चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है, चैप्टर 5 जिसमें आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। थर्ड ये आप लॉ पढ़ते हैं। आपका जो थर्ड चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन थर्ड चैप्टर है, और इसे आप मोशन इन वन डी भी कह सकते हैं, मोशन इन वन डी, वन डी वन डायमेंशनल मोशन, डी स्टैंड फॉर डायमेंशंस। क्लियर? अब आप कहेंगे डायमेंशंस होता क्या है? क्लियर? तो आप कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री नाइन्थ में भी पढ़े हैं और टेंथ क्लास में भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी। दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, एंड Z and Z dash, right? There are three axes. तो किसी एक एक्सिस के along अगर मोशन आता है, मोशन इन एनी वन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन या वन डी आप कह सकते हैं। Either along x axis, along x axis, ए भी आपका 1D होगा, 1D motion, along y axis, this is also 1D motion, and along z axis, this is also 1D motion. किसी भी एक एक्सिस के अलोंग अगर मोशन होता है, दिस इज कॉल्ड वन डी मोशन। क्लियर? वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सिस के अलोंग मोशन करा रहे हैं, या ऑब्जेक्ट किस एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है, राइट? अब इसमें से किसी भी दो एक्सिस को मिला दीजिए, एनी टू एक्सिस, तो वो आपका टू डायमेंशनल मोशन होगा। और अगर थ्री एक्सिस, तीनों एक्सिस में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो वह थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। अब टू डी मोशन एंड थ्री डी मोशन ये आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? चैप्टर 4। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में ऑब्जेक्ट का मोशन है, बट विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। तो नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए, चैप्टर 3
चैप्टर 4। इसमें आप ऑब्जेक्ट का मोशन जो है स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, राइट। और कॉज ऑफ मोशन की बात हो, ठीक, तो इसमें आप लॉज ऑफ मोशन कहेंगे। कई कई राइटर लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन को भी काइनेमेटिक्स में ही रखा है। तो यहां पर आप उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि काइनेमेटिक्स दो हिस्से में बट जाएगा, एक में मोशन ऑब्जेक्ट का, जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट के मोशन के कॉज को चर्चा नहीं करेंगे। देहाती भाषा में इसको यूं कहा जाता है कि आपको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से कोई मतलब नहीं है। तो जब पेड़ नहीं गिनना पड़े और वह पेड़ न दिखाई दे कि किस पेड़ का वह आम है, तो ज्ञान अधूरा हो जाता है। इसीलिए फिजिक्स में कॉज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो काइनेमेटिक्स पर हम चर्चा करने से पहले ये बता दें कि अभी चैप्टर नंबर 3 जो है काइनेमेटिक्स, उसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, बट विदाउट कॉज ऑफ मोशन, राइट। अब मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए किन किन बातों की जरूरत है, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइबिंग मोशन, ये किन चीजों से बाधा हुआ है, हाउ टू डिस्क्राइब मोशन, मोशन को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें। अब हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बड़ी सी एक विचित्र बात है, किसी बात को आपके दिमाग में हम कैसे डालें, हम कैसे आपको उस बात को दिमाग में डालते हैं। तो जो बात शब्दों से, यानी वर्ड से, शब्दों से आप जानने का प्रयास करते हैं, तो जिस बात को शब्दों से जाना जाए, उस बात का शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। देर इज नो रिलेशन इन बिटवीन इवेंट एंड वर्ड। ये बात आपको बड़ा हजम हो जाएगा सुनने में कि ये बात क्या कह रहे हैं। घटनाओं से शब्दों का कोई लेना देना नहीं है। उस घटना को यह भी पता नहीं है कि हमें कोई शब्दों से परिभाषित कर रहा है।
और उस घटनाओं को आप शब्दों के माध्यम से जानते हैं, तो फिर आप उस घटना को जान नहीं पा रहे हैं। जो बात हम कहने जा रहे हैं वो बात दिमाग में घुसना बड़ा कठिन बात है। खास तौर पर जो आजकल का रेडीमेड टीचर है और रेडीमेड जो स्टूडेंट है, और ये जब से कोरोना आई है तब से ऑनलाइन क्लास बच्चे के दिमाग को उड़ा करके रख दिया है। हमने कहा कि देर इज नो एनी रिलेशन इन बिटवीन इवेंट एंड वर्ड, घटनाएं और शब्दों के बीच में कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं, आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप जो बायो पढ़ते हैं, आप जो सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, उन सब सब्जेक्ट्स में, सारे विषय में आपने घटनाओं को शब्दों से बांधने का प्रयास किया है। प्रयास ही नहीं बल्कि वो है हकीकत। उदाहरण एग्जाम्पल से बात को आप समझिए। जितने भी इतिहास की किताबें हैं, हर इतिहास की किताब की घटनाएं एक शब्दों से बांध दी गई है, और वो शब्द आपका अल्फाबेट, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी का भी हो, उसी से आप बनाते हैं और फिर उस घटना की चर्चा करते हैं। अगर आप हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं, तराइन के युद्ध की बात करते हैं, या आप रामायण या महाभारत की कहानी की बात करते हैं, तो वो सारी कहानी आप शब्दों से बांध रखे हैं। जबकि उस शब्द का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना उस घटना को यह भी पता नहीं है कि मुझे इन शब्दों से परिभाषित किया जा रहा है। आप ऑब्जेक्ट एक ट्रायंगल ले लीजिए, मैं भी ट्रायंगल बोल रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट को आप ट्रायंगल नाम दिए हैं, लेकिन उस ट्रायंगल को यह पता नहीं है कि मुझे ट्रायंगल वर्ड से परिभाषित किया जा रहा है। इसलिए आप घटनाओं को शब्दों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन घटनाओं को आप शब्दों से जानने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पर हमारा ज्ञान अधूरा पड़ जाता है, और हम नॉलेज से बहुत काफी दूर हो जाते हैं। शब्द एक घटना को डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए आपको नीट जरूरत पड़ी है। और सत्य को आप शब्दों से नहीं बांध सकते हैं, और जब आप शब्दों को यूज कर रहे हैं सत्य को बांधने के लिए, तो वह फिर सत्य, वह त्रुथ, त्रुथ सत्य नहीं रह जाता है, क्योंकि उस सत्य को यह पता नहीं है कि मुझे किसी शब्दों से बांध कर पढ़ाया जा रहा है या लिखा जा रहा है। इसीलिए हम फिजिक्स की ज्ञान, इसलिए हम हिस्ट्री का ज्ञान, या हम कोई भी विषय का जो ज्ञान शब्दों से प्राप्त कर रहे हैं वह अधूरा है, वो पूरा नहीं है, सिर्फ वह एक साधन है, माध्यम है। तो आइए हम एक माध्यम बनाते हैं। दिस इज नॉट अ ट्रू, दिस इज नॉट अ फैक्ट। और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं
वह शब्दों में बांध कर उस घटना को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए वह सत्य नहीं है। और जो सत्य है उसे हम शब्दों से नहीं बांध सकते हैं, इसलिए यह टेम्पररी व्यवस्था है और आप इसी व्यवस्था को मानकर चलिए, जीवन यही है, इसी को बांध करके चलिए और नॉलेज हासिल कीजिए। तो हम अब चलते हैं कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे करें, हाउ कैन यू डिस्क्राइब मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वन, हाउ How can you describe motion? How can you describe motion? Motion को कैसे describe करें? आखिर motion करता क्या है? General way में हम मोशन के बारे में क्या समझते हैं? कई बच्चों से सवाल पूछेंगे, मोशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मोशन। वो कहेगा कोई ऑब्जेक्ट चलता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको मोशन कहेंगे। चलिए भाई इसको भी हम मान लेते हैं। इसको ही मान लेते हैं कि ये मोशन है। कुछ बच्चे थोड़ा अच्छा डिफाइन करते हैं मोशन के बारे में कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ होता है। चलिए एक बात तो हो गई कि टाइम आ गया इसमें, कोई बच्चा ये भी डिफाइन करेंगे अ बॉडी ट्रेवल्स सम डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बात को सुन रहे हैं? यहां दो बातें आ गई, एक उसने कहा कि किसी पॉइंट से वो चलती है ऑब्जेक्ट, और एक उसमें बात आ गई टाइम। तो भाई दो बात तो पकड़ में आ गई कि मोशन होने के लिए आपको कोई एक पॉइंट का होना जरूरी है। और दूसरा टाइम का होना जरूरी है। और तीसरा उसमें आ गया क्या कि पोजीशन यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कहिए आप उसका होना जरूरी है। इट मीन्स मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास कम से कम तीन चीज का नॉलेज होना जरूरी है। एक वह पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट चलती है या किसी पॉइंट को वह गवाह रख करके, गवाह एविडेंस कि भाई तुमसे मैं 5 मीटर की दूरी पर हूं और यहां से मैं चल रहा, गवाह एविडेंस। इसी गवाह और इसी एविडेंस पर फोर्स देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। पूरी की पूरी फिजिक्स यहीं पर रुक जाती है कि अगर उस गवाह को आप नहीं पकड़ सके तो, उसी गवाह को इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स ओरिजिन पॉइंट कहेंगे एंड उसी गवाह को इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स उसे
क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। अब बात को थोड़ा सा इत्मीनान से समझिए, बड़ी गहराई से समझिए और आराम से समझिए। सपोज दैट ये आपका रोड है, राइट, एंड दिस इज ए ट्रक, मानकर चलिए ट्रक, राइट, ये मोशन कर रहा है यहां से, और ये ट्रक यहां से 10 मीटर की डिस्टेंस पर एक पोल को वह एविडेंस रखा है, गवाह रखा है, दिस इज पोल, राइट। ये ट्रक कह रहा है, ये ट्रक कह रहा है इस पोल से कि भाई तुम गवाह रहना कि मैं तुमसे 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, और इस 10 मीटर की दूरी पर जो मैं खड़ा हूं यहां से मैं अब चलना शुरू किया और हम पहुंच गए कहां, 20 मीटर डिस्टेंस पर एक ट्रक। देखिए ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। राइट, दिस ट्रक मूव्स फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट टू दिस फाइनल पॉइंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस ट्रक इज व्हाट, 20 मीटर। 20 मीटर वह डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये ट्रक कह रहा है इस गवाह पोल से कि अब मैं आपसे 30 मीटर दूर पर हूं, राइट, 10 मीटर से दूरी पर है, खराब पर इनिशियल पॉइंट पर। अब इस ट्रक का पोजीशन कितना चेंज हुआ, चेंज इन पोजीशन। तो अगर आप यहां से इसको X1 मानते हैं, राइट, और यहां से आप अगर X2 मानते हैं, तो चेंज इन पोजीशन क्या लिखेंगे आप, डेल्टा एक्स, डेल्टा मीन्स चेंज, ये हम पढ़ाएंगे आपको। और काइनेमेटिक्स हमने शुरू किया है, शुरू करने से पहले थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ाना पड़ता है। तो मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो 4-5 वर्ड है इसको डिफाइन करने के बाद मैं कैलकुलस सबसे पहले पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके बगैर तो काइनेमेटिक्स आप पढ़ नहीं सकते, राइट। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, राइट, चेंज बात समझिएगा। एंड दिस इज इक्वल टू X2 माइनस X1, दिस इज इक्वल टू 30 मीटर माइनस 20 मीटर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10 मीटर। ये आपका उसका चेंज है, चेंज इन पोजीशन, राइट। अब आप देखिए ये चेंज इन पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का है, ये ऑब्जेक्ट एक गवाह को रख दिया है,
कि भाई हमारा पोजीशन जो चेंज हो रहा है तो इस पोल के रेस्पेक्ट में, इस पोल के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर आप दूसरा पोल इधर खड़ा कर दें, कोई बिल्डिंग खड़ी कर दें, किसी बिल्डिंग से आप तुलना करेंगे तो ये आपका जो 10 मीटर है इसका वैल्यू बदल जाएगा, करेक्ट, ये वैल्यू बदल जाएगा। तो फिर आप एक कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। अंतर है कि आपने एविडेंस गवाह को बदल दिया, अब दूसरे गवाह के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू बदलेगा, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस पोल को यहां रख दीजिए, यहां खड़ा कर दीजिए, तो ये बदल जाएगा। इस पोल को आप इस तरफ रख दीजिए, बातें बदल गई, बट ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है किसी न किसी गवाह के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एनी एविडेंस। इसी गवाह को आप ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये ही गवाह आपका ओरिजिन, ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे, राइट। लेकिन इसी ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट कहा गया, क्या, रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। याद रखिएगा, फिजिक्स में आपका रेफरेंस पॉइंट की चर्चा होगी, राइट। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, ताजुब होगा कि भाई ए रेफरेंस पॉइंट क्या बंदा है, क्या चीज है। नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। रेफरेंस आपके डोमेस्टिक वर्ड है, आपके मित्र के साथ कोई दूसरा आपके घर पर चाय पीने के लिए आ गया जिसको आप नहीं जानते हैं, क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड के रेफरेंस में आया है। किसी का आप रेफरेंस, कि भाई मैं तो आया हूं, आपके दोस्त ने बुलाया है, इसलिए आप दोस्त को रेफरेंस देते हैं, राइट। तो रेफरेंस हमारा एक डोमेस्टिक वर्ड है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। और इस रेफरेंस को आपने नंबर लाइन पर भी पढ़ा है, डू यू नो नंबर लाइन, फ्रॉम सिक्स्थ क्लास, फ्रॉम फिफ्थ क्लास, नंबर लाइन। आप यहां पर जीरो लिखते हैं, राइट, और इस तरफ राइट साइड में 1 2 3 4 5 आप यहां पर 5 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 5? और फिर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 and -5। बताइए आप ये -5 क्यों लिखे? आप -5 लिखे लेफ्ट साइड में तो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है, 0, यही है आरपी रेफरेंस पॉइंट। इस साइड आपने +5 लिखा राइट साइड में, तो आपने
जीरो को ही रेफरेंस पॉइंट मान करके आपने यहां पर प्लस फाइव लिखा। अंतर यह है कि फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में हम इसको जीरो बोलते हैं और बच्चों को कहते हैं कि लेफ्ट साइड में निगेटिव ना इंटीजर्स लिखना और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर लिखना, लेकिन हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? जीरो है। लेकिन वहां पर फोर्थ और फिफ्थ क्लास में हम रेफरेंस पॉइंट की चर्चा नहीं करते हैं, जबकि वो है वही रेफरेंस पॉइंट। चलिए नंबर लाइन से थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। क्या नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है? क्या पढ़ा है? बहुत दिनों के बाद थोड़ा तबीयत ठीक हुआ है तो आज मैं क्लास ले रहा हूं, फिर भी थोड़ी सर्दी जुखाम है। नहीं तो एक घंटे की क्लास में 10 बार छींक होता, 10 बार कफ निकलता तो वीडियो थोड़ा सा खराब हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा आज ठीक है। चलिए आते हैं। आपने नाइन्थ क्लास में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। यहां पर जो आप जीरो लिखते हैं, जिसको आप ओरिजिन का कर बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? ओरिजिन। कि ये ओरिजिन है। ओरिजिन क्यों? क्योंकि इसी जगह से आप इस साइड पॉजिटिव लिखेंगे नंबर, इस साइड निगेटिव लिखेंगे, ऊपर पॉजिटिव लिखेंगे वाई एक्सिस में और नीचे आप वाई एक्सिस में निगेटिव लिखेंगे। पढ़े हैं तो यहां जो ओरिजिन है यही ओरिजिन फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये हम प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बशर्ते उसका नाम अलग कर दिया गया है। वहां पर ओरिजिन कह करके पढ़ाया गया है और यहां पर हम उसे रेफरेंस पॉइंट कहकर बुलाते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, इस बात को समझिए। रेफरेंस पॉइंट है क्या? तो रेफरेंस पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं? पोजीशन, कि वो कहां है, राइट? तो रेफरेंस पॉइंट से हम क्या डिटरमाइन करते हैं? पोजीशन, या आप इसको लोकेशन भी कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता लगाते हैं ठीक इसी रेफरेंस पॉइंट से। जैसे आप प्लस फाइव यहां तभी लिखते हैं राइट साइड में जब आप यहां जीरो लिखते हैं, और माइनस फाइव आप तभी यहां लिखते हैं जब आप यहां जीरो लिखते हैं। यानी प्लस फाइव का पता आप तभी लगाते हैं जब आपको ये जीरो पता है, यानी रेफरेंस पॉइंट पता है, और आप माइनस फाइव तभी लिखते हैं लेफ्ट साइड में जब इस जीरो के बारे में आपको जानकारी है। अब इस ट्रक पर हम चर्चा करें। ये ट्रक इस पोल से 10 मीटर पर है,
यानी पोजीशन ऑफ ट्रक, पोजीशन ऑफ ट्रक, लोकेशन ऑफ ट्रक फ्रॉम दिस पोल इज व्हाट 10 मीटर, राइट। और अब इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस पोल के रेफरेंस में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट चेंज हुआ, राइट। यानी ये इधर आ गए, आप कहेंगे कि इधर, हां इधर भी आ जाता फिर भी पोजीशन चेंज, राइट। तो यहां से यहां ये आ गया, यानी चेंजिंग पोजीशन, क्लियर। फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, क्लियर, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक होना चाहिए पहली बार आरपी रेफरेंस पॉइंट, दूसरी बार पोजीशन, चेंज इन पोजीशन होना चाहिए, पोजीशन में चेंज, पोजीशन चेंज, एंड थर्ड बात आपका होना चाहिए टाइम। ये तीन बात। राइट, देन यू कैन डिफाइन मोशन, तब आप मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात और बड़े मजेदार टॉपिक है, क्या है, एक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अगर दिमाग में बात बैठ गई तो फिर फिजिक्स आपके मुट्ठी में आ जाएगा। फिजिक्स कुछ समझना बड़ी आसान है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट दुनिया में है और जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो उस सब्जेक्ट की प्रशंसा जरूर करते हैं, लेकिन हम किसी सब्जेक्ट को कम नहीं मानते हैं। अगर आप उसको पढ़ना जानते हैं और आर्ट ऑफ लर्निंग आपके पास है तो आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट आता है हिमांशु नाम का पढ़ने के लिए, कई बार वो बोलता है कि हमारे स्कूल के कुछ टीचर हैं, शिकायत नहीं कर रहा हूं, रियल बात है, फैक्ट है, कि हमारे टीचर बोलते हैं कि मैं केमिस्ट्री 25 ईयर से पढ़ा रहा हूं, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट पर चर्चा कर रहे थे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट क्या है। फिजिक्स की दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट। तो देखिए, रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम बताए हैं, रेफरेंस पॉइंट, राइट, और एक बात है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर डिफरेंसेस इन बिटवीन रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात को समझिएगा,
ए हम आपको बतलाते हैं एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। एक्सेस है। अब आप देखिए मैथमेटिक्स में जिसे आप ओरिजिन पढ़ते हैं, ओरिजिन कोऑर्डिनेट में, वहीं पर यहां फिजिक्स में हम इसको रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। पीछे वाले जो वीडियो है उसको आप आराम से देखिएगा। रेफरेंस पॉइंट कोई नई चीज नहीं है, ये आप सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास में मैथमेटिक्स में जो पढ़ा है, ओरिजिन नंबर लाइन पर बात अब कह रहे हैं, वही है रेफरेंस पॉइंट फिजिक्स में। आप लेकिन रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम ये पता लगाते हैं रेफरेंस पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी, या रेफरेंस पॉइंट के बारे में पता लगाते ये बंदा है क्या, ये ठीक एक गवाह है, एविडेंस है कि कोई ऑब्जेक्ट कहां खड़ा है। यानी रेफरेंस पॉइंट ये बतलाता है लोकेशन, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहां है, यह हम प्रीवियस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, पहले वाले क्लास में इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये आपका रेफरेंस पॉइंट जो आप दे रहे हैं, सपोज दैट, बात को समझिए, आप यहां पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये बस है, राइट, बस है, और ये बस आपको ओरिजिन से 5 किलोमीटर पर खड़ी, क्लियर। तो आपका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है, इसके रेफरेंस में यहीं से आपने मेजर किया है, समझ रहे हैं, यहीं से आपने मेजर किया है। तो ये आपका क्या बन गया, ओ रेफरेंस पॉइंट बन गया, क्लियर। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इस बात को आप करिए, ये पूरे कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जेड एक्सिस, वो हम इससे पहले वाले क्लास में भी चर्चा किए, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो वहां पर हम चर्चा किए हैं अब इस बात को लेकर के, वो डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अलोंग बॉडी जाता है, ठीक। अब यहां हम मेन बात ये बताने जा रहे हैं, टू द पॉइंट बात कीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये आपका टाइम को बांध देता है, टाइम कि ये बस जो है कितने टाइम से खड़ी है या कितने टाइम से वो चलना शुरू की, यानी आपकी घड़ी क्लॉक, एक्सिस विद क्लॉक जब चर्चा होने लगे तो वह सिस्टम ही अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब लिखिए
द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सारे के सारे मेजरमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेट के आधार पर होता है। यहाँ थोड़ा पानी लग रहा है, मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, राइटिंग अच्छी होगी अदरवाइज। जो बात लिखने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिस्टम बता दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद कोऑर्डिनेट। अब देखिए, अगर आप सीधा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, ओनली कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज, ओनली कोऑर्डिनेट सिस्टम टू लोकेट, टू लोकेट और फाइंड द पोजिशन ऑफ अ बॉडी। क्लियर? तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। कोऑर्डिनेट का यूज इसमें भी हुआ है, लेकिन यहां कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हुए मुझे अलोंग विद क्लॉक का यूज करना है। किसका यूज करना है? अलोंग विद अ क्लॉक, CLOCK, ये है क्लॉक। वॉच क्या लिखेंगे? वॉच, घड़ी, जिसे आप हिंदी में घड़ी बोलते हैं, ठीक, राइट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ आपका वॉच यानी टाइम, घड़ी आगे, उसका जब आप यूज करेंगे तो वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं? क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट्स आ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने इसमें टाइम नहीं लिखा है तो वह रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। और उसी रेफरेंस पॉइंट जिसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद अ क्लॉक, क्लॉक लिखिएगा भाई। ये तो मैंने ब्रैकेट में आपको समझने के लिए लिख दिया, हिंदी इंग्लिश वॉच एंड घड़ी, ये सब छोड़ी बात, क्लॉक आप लिखिए, क्लॉक। कॉन्स्टिट्यूट्स यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लॉक दोनों मिल करके आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता है, इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी आ गया, यानी रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पर, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहें तो ऑलरेडी उसमें टाइम आ गया। तो अब यहां से दो बातें निकल करके आती हैं जो आपको हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर काइनेमेटिक्स है। क्या है? काइनेमेटिक्स है। और काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है डिस्क्राइब मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन, यानी कॉज इसमें नहीं खोजता है,
इसमें मोशन हम पढ़ेंगे राइट, लेकिन कॉज, कॉज ऑफ मोशन इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में। अब कोई ट्रक चलती है तो चलती है तो चलती है, वो क्यों चलती है, चलने का कारण क्या है, इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे। काइनेमेटिक्स कहता है कि कॉज पर बंद करो, चुप रहो। कोई लड़का कलेक्टर बन गया, लेकिन कलेक्टर क्यों बना छोड़ यार हटाओ। बड़ी गांव देहात में एक कहावत प्रचलित है, अरे यार आम खाने से मतलब रखो, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से मतलब नहीं रखो। भाई ऐसे आदमी से थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, वो चतुर चलाक हो सकता है, क्योंकि वो आप अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आपसे प्राइम मिनिस्टर के पद के हिसाब से वो दोस्ती करने आएगा, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर किस कंडीशन में बने हैं, कितनी परेशानी झेल करके बने हैं, उसके बारे में उसे मतलब नहीं। वो सिर्फ कहेगा यार यार प्रधानमंत्री बन गया तो इसको इज्जत करो, इसको नमस्कार करो, वो मतलबी आदमी होता है। यानी काइनेमेटिक्स जो है यह मतलबी आदमी, मतलबी चैप्टर है। काइनेमेटिक्स कहेगा कि वो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गिर गया, गिर गया तो गिरने दो, क्यों गिरा इसकी चर्चा मत करो। काइनेमेटिक्स कहता है कि कॉज पर चर्चा नहीं करना है। इसीलिए ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 8 पढ़े हैं, वहां पर इसकी चर्चा नहीं होती कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों मोशन में है, इसकी चर्चा नहीं होती। इसलिए काइनेमेटिक्स एक तरीके से बेवकूफ बनाने वाली बात है, जब उसके बारे में ही हम नहीं जानते कि क्यों हुआ तब आपको बेवकूफ बना रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझे, यह टाइम से बंधा हुआ है और रेफरेंस पॉइंट को टाइम से कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ यह बतलाता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहां खड़ी, अब वो ऑब्जेक्ट कितने देर से खड़ी है, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बतलाएगा। ऑब्जेक्ट चल रही है 5 किलोमीटर से वो 10 किलोमीटर चली गई, तो 10 किलोमीटर चली गई तो वो बतलाएगा रेफरेंस पॉइंट कि हमसे 10 किलोमीटर पर है, क्या है 10 किलोमीटर पर है, वो ऑब्जेक्ट चली गई 10 किलोमीटर, यहां से 5 और आगे बढ़ गई 10 किलोमीटर। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएगा कि 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर जब चला तो कितना टाइम लगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हल्ला करेगा कि भाई टाइम भी लगा है, क्या हुआ टाइम लगा है। लेकिन रेफरेंस पॉइंट चुप रहता है, वो कहता है कि भाई 5 किलोमीटर से वो 10 किलोमीटर चला गया, यानी हमसे वह 10 किलोमीटर दूर पर खड़ी है, कौन रेफरेंस पॉइंट बताए। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हल्ला करेगा कि भाई 10 बजे ये बस हमसे 10 बजे मॉर्निंग में वह 5 किलोमीटर पर था और 10:30 बजे वह 10 किलोमीटर पर चला गया, वो टाइम भी बदलाता है। यह बेसिक यानी बुनियादी डिफरेंस है जो रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने, बात को गहराई से आप समझिए जो बात हम समझाने जा रहे हैं। अब आप देखिए काइनेमेटिक्स को कहा कि भाई कॉज ऑफ मोशन क्या है, उस पर चुप रहे, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस
जब चैप्टर फिफ्थ में हम जो चलेंगे यानी लॉज ऑफ मोशन में चलेंगे, लॉज ऑफ मोशन इलेवेंथ क्लास का चैप्टर फिफ्थ और नाइन्थ क्लास का चैप्टर नाइन, लॉज ऑफ मोशन में चलेंगे तो यहां पर आपको कॉज ऑफ मोशन भी पढ़ना है कि कोई ऑब्जेक्ट चलती है तो क्यों चलती है, यानी कॉज ऑफ मोशन। बात समझ, आप जमीन पर चलते चलते गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं यह आपको लॉज ऑफ मोशन बतलाएगा, लेकिन काइनेमेटिक्स कहेगा कि भाई तू गिर गया बेटा तो गिर गया, मेरे को इसे कोई मतलब नहीं। तो जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर दो हिस्से में बट जाता है, क्या यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक आपका इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसका ठीक उल्टा आप क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी चर्चा फिफ्थ चैप्टर में जब शुरू करेंगे तो वहां पर हम पढ़ाएंगे कि वो क्या है। ये बड़ी गहरी बात है और इस ये चैप्टर थर्ड में पढ़ाते वक्त इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता है। अब ये मत कहिएगा कि आपको याद नहीं है ये बात नहीं। देखिए तो अब यहां से थोड़ा सा, चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन को डिफाइन करने से पहले इसका जो उल्टा जो चीज होता है रेस्ट, अगर मैं रेस्ट को डिफाइन कर लूं तो मोशन पकड़ में आ जाएगा। आइए हम रेस्ट शब्द को पहले डिफाइन करें। ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रेफरेंस पॉइंट। क्लास नाइन्थ क्लास के फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट की चर्चा हुई है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चर्चा नहीं है। लेकिन हम नाइन्थ क्लास वालों को भी पढ़ाते हैं तो इसकी चर्चा हम करते हैं। नाइन्थ क्लास के मोशन और इलेवेंथ क्लास के मोशन चैप्टर में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। हमारे दिल्ली के बहुत सारे बच्चा जो पढ़ा है हमसे, नाइन्थ क्लास में ही हमसे इलेवेंथ क्लास की सारी टॉपिक को पढ़ा दिए, नाइन्थ क्लास में ही ये पूरा चैप्टर पढ़ चुका है, कैलकुलस भी पढ़ा दिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। अब आपके सामने इस चैप्टर की बेसिक चीज कि हम ये समझे व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट क्या, रेस्ट है क्या, इस बात को पहले समझना है। व्हाट डू मीन बाय रेस्ट, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, बात को समझिए। सपोज दैट कि ये आपका पोल है, राइट, और पोल से फाइव किलोमीटर डिस्टेंस पर एक बस खड़ी है, ये बस है, बात को दिमाग से समझिए। अब आप घड़ी में टाइम देखते जाइए,
जब घड़ी से आप टाइम देखना शुरू करेंगे तो वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। सपोज दैट कि आप इस ऑब्जेक्ट को 10:30 AM बात को गहराई से समझिए, 10:30 पर आपने इस बस को देखा कि इस पोल से 5 किलोमीटर दूरी पर है, राइट? 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। फिर ये टाइम आप बढ़ा करके 11 AM यानी आधा घंटा और भी आपने देखा, तो देखा आपने कि 5 किलोमीटर पर ही वो खड़ी है फिर भी फ्रॉम दिस पोल। आपने फिर घड़ी में देखा 11:30 बजे, राइट? 11:30 AM पर भी वो बस, वही बस 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर खड़ी है फ्रॉम दिस पोल। टाइम आपका बढ़ते जा रहा है लेकिन इस बस का पोजीशन, लोकेशन ऑफ दैट बस, इस पोल से चेंज नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि दिस बस इज सेड टू बी एट रेस्ट। टाइम के साथ उसका डिस्टेंस एक रेफरेंस पॉइंट से नहीं बदल रहा है। अगर टाइम की चर्चा हम करें तो रेफरेंस पॉइंट लिखना पड़ेगा। देखिए क्या बात है, डेफिनेशन से पहले, व्हेन द पोजीशन, इसको लोकेशन भी बोल सकते हैं, लोकेशन, और आप ये भी लिख सकते हैं, और द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी, क्लियर, डजंट चेंज ठीक है, फ्रॉम एनी गिवन राइट reference point with time clear, then that body is said to be at rest। तब उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? रेस्ट में। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके दिमाग में बात उठेगा कि सर इस डेफिनेशन में आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों नहीं लिखा। आपके दिमाग में बात उठेगा कि सर इस डेफिनेशन में आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों नहीं लिखा। आइए इस रेफरेंस पॉइंट के बदले, सारे चीज ऑल आर सेम थिंग, सिर्फ इस रेफरेंस पॉइंट के बदले अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखते हैं फ्रॉम एनी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए क्या बात है, आपका दिमाग यहां उल्टेगा। सिर्फ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हटा दीजिए यहां से, और रेफरेंस पॉइंट को सिर्फ हटा दीजिए, जो डेफिनेशन है, ध्यान से बात को सुनिए, बड़ी गहरी बात है, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं,
सब कुछ आप बना लेंगे, मोशन समझेंगे नहीं। मोशन की परिभाषा भी एग्जाम में आप लिख करके आ जाएंगे, लेकिन मोशन दिमाग में बात बैठेगा नहीं। नंबर भी आप ले आएंगे, लेकिन फिर भी आपको वो टॉपिक समझ में आएगा ही। ये भारत है। अब ऑनलाइन क्लास होने जा रही है, डिजिटल होने जा रही है, दिमाग भी डिजिटल हो गया है। गहराई से बात को दिमाग से समझिए। हमने क्या लिखा, व्हेन द पोजीशन और लोकेशन और द डिस्टेंस। इस बस का पोजीशन फ्रॉम दिस पोल 5 किलोमीटर, लोकेशन ऑफ दिस बस फ्रॉम दिस पोल इज व्हाट 5 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस बस फ्रॉम दिस पोल इज 5 किलोमीटर। ये चेंज नहीं हो रहा है फ्रॉम एनी गिवन रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। बात को गहराई से विचार कीजिए, तो आप उस बॉडी को, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। आप कह रहे हैं रेस्ट में है। हमने आपसे क्या कहा कि ये सारे चीज आएगी जैसे वैसे ही रखिए। क्या लिखा, व्हेन द पोजीशन और लोकेशन और द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी डजंट चेंज फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट। ठीक, आपने लिखा। अब मैं कह रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट को हटा दीजिए और वहां पर सिर्फ पुट कर दीजिए क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगला जो वर्ड है विद टाइम ये नहीं लिखा जाएगा। अगर आप डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट लिखते हैं, राइट, तो विद टाइम लिखना पड़ेगा। अगर आप डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट लिखते हैं तो विद टाइम लिखना पड़ेगा। और अगर इस रेफरेंस पॉइंट को हटाकर और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां रख दीजिए तो आगे की बात जो है विद टाइम ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा। अगर ये आप लिखते हैं तो ये नहीं लिखना पड़ेगा, और अगर आप ये लिखते हैं तो ये आपको लिखना पड़ेगा। बात समझिए, क्लियर। तो ये हमारा रेस्ट का डेफिनेशन बन गया, राइट। रेस्ट के डेफिनेशन अगर आप सीख लिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज मोशन। अब इस चैप्टर का जो नाम है उस पर आते हैं। क्या है नाम है उस पर आते हैं। तो मोशन को डिफाइन आप कैसे करेंगे, हाउ कैन यू डिफाइन। रेस्ट का डेफिनेशन अगर आप जानते हैं तो रेस्ट के डेफिनेशन से डज नॉट को हटा दीजिए, रिमूव डज नॉट। यानी आपको क्या करना है, व्हेन द पोजीशन लोकेशन और डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी चेंज के बदले क्या लिखिएगा, चेंजेस। ये चेंज के बदले क्या लिखिएगा, चेंजेस, क्योंकि डज नॉट के साथ आपका चेंज आएगा सिर्फ, राइट। फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट ऑल आर सेम थिंग। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि मोशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक, तो रेस्ट का डेफिनेशन है उसे डज नॉट को हटा दीजिए, और बाकी आप रेफरेंस पॉइंट अगर रखते हैं तो विद टाइम लिखना पड़ेगा, और अगर रेफरेंस पॉइंट हटाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखते हैं, राइट, तो
तो फिर भी टाइम ये हटाना पड़ेगा, आपकी मर्जी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑलरेडी रेफरेंस पॉइंट और टाइम दोनों होता है, और दोनों को जब इंक्लूड कर देते हैं तो वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। ये आपका मोशन डिफाइन कर लेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, लिख भी लीजिए, व्हेन द पोजीशन और लोकेशन और द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी चेंजेस, डज नॉट को नहीं लिखना है, चेंजेस फ्रॉम एनी गिवन रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एट रेस्ट के बदले क्या लिखेंगे, इन मोशन, ये वर्ड इन मोशन। मोशन के पहले इन लगाएंगे और रेस्ट के पहले एट लगाएंगे। ये तो ग्रामर की बात है, प्रीपोजिशन। अच्छा, अब आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द पोजिशन और लोकेशन और द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस पॉइंट, सॉरी फ्रॉम अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस रेफरेंस पॉइंट के बदले अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखते हैं तो भाई विद टाइम लिखना बंद कर देना है, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। भाई मैंने मोशन का लिखा नहीं, बोल दिया, आप लोग खुद बनाएंगे। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट के आधार पर कोई ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि आपको लगेगा अरे यार ये तो रेस्ट में है, मोशन में कैसे है, मोशन में है तो रेस्ट में कैसे। भाई सारी की सारी दुनिया गोलमाल है, ये मैं आपको बता दूं, कोई भी आदमी ठगा सकता है। मैं आज से 3 रोज पहले मैंने BSNL का एक सिम लिया और वहां पर हमारे एक ऑटो चालक के प्रखंड अध्यक्ष, हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अब नए नए ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष बने हैं, तो हम प्रखंड अध्यक्ष को भी नियुक्त कर रहे हैं प्रखंड लेवल पर, जिला अधिकारी क्या क्या ये सब। हालांकि टीचिंग लाइन से तो ये दूर है, लेकिन हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दे दी गई है और मैं सीतामढ़ी में एक जगह ऑटो चालक पर पुलिस वाले डंडे चला रहे थे तो हम वहाँ पर खड़े होकर के पुलिस वाले का डंडे रोक दिया। ऑटो चालक वाले ने उत्साहित हो गए, कई लोगों का हाथ पैर भी टूटा, लेकिन उस जगह पर हम बचाने का काम किए तो ऑटो चालक संघ ने हमें क्या किया, अध्यक्ष बना दिया। अब मैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सीतामढ़ी में जितना जो प्रखंड है उसका अध्यक्ष, उसका उपाध्यक्ष, उसका कोषाध्यक्ष, तो महामंत्री ये सब नियुक्त करने जा रहे हैं। तो आज से 3 रोज पहले हमारे एक जो प्रखंड है उसके प्रखंड अध्यक्ष, वो डुमरा प्रखंड के अध्यक्ष उनको बनाए हैं। तो वो जो है ना सीतामढ़ी में, वो एक जगह आपको सिम खरीद रहे थे हमारे ही इलाके में, उधर सदर रोड में, वो ये गोइंका कॉलेज के पास में एक, वो भी वहीं पर खड़े। तो वो हमको बोल रहे हैं कि नेताजी नमस्कार, और इसके बाद कहे कि क्या कर रहे हो, तो कह रहे कि BSNL का सिम है और ये BSNL का सिम सरकारी है और ये कह रहा है कि 150 में 2 महीना 2 GB फ्री, यानी 2 GB 2 महीना तक चलेगा, जितना कॉलिंग मैसेज करना है करते रहे 150 में। हम सोचे कि चलो एक सिम मैं भी ले लेता हूं, सिम ले लिए। और देखिए वो सिम बेचने वाला कह रहा है कि 2 घंटे के बाद नेटवर्क आ जाएगा, 2 घंटे के बाद आप इसको लगाइएगा नेटवर्क आ जाएगा। और ये आज
आपका है दो फरवरी है, दो फरवरी है, मैं 30 जनवरी को लिया, 31 जनवरी को, 31 जनवरी को हमने लिया। और वो 31 जनवरी को कह रहा है कि सर जो आप लगाइएगा 2 घंटे के बाद नेटवर्क आ जाएगा। आज देखिए 2 फरवरी, और वो जो प्रखंड अध्यक्ष महोदय थे, हम सोचे कि वो भी सिम ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, उसके रेफरेंस पर लिया, बाकी मैं रोड पर सिम नहीं लेता। अब उस साइकिल पर एक छतरी लगाए हुआ है, वहाँ सिम बेच रहा है, और वो मतलब कल आज यहाँ है, कल कहाँ रहेगा पता नहीं, एक प्रॉपर दुकान है तो ठीक है, उसका लोकेशन कि सिम नहीं चालू होगा तो कल उसको पीछा करेंगे। आज देखिए 3-4 रोज हो गया और सिम चालू नहीं, और जबकि वो बोला कि 2 घंटा में चालू होता है, छान मार रहे हैं। फिर मैं अपने प्रखंड महोदय के जो अध्यक्ष है ऑटो चालक संघ, उसको मैं बार बार फोन करके पूछ रहा हूँ, तो कह रहा है कि मैं भी ले रहा था और पता नहीं कि वो मतलब है कि वो कहाँ चला गया, मुझे भी पता नहीं है, मैं हम लोग खोज रहे थे। और वो गुस्से में बोल रहा है कि साले मिलेगा ना तो उसको जम कर मारेंगे, मेरा व्हाट्सएप करना था, कहीं ये सिम ले लिया तो चालू नहीं हो रहा है, मुझे ज़रूरत था। मैं बोला कि भाई मुझे भी तो ज़रूरत था, और मैं तो तुम्हारे ही रेफरेंस से सिम लिया, हम सोचे कि तुम ले रहे हो, रेफरेंस जो फिजिक्स में रेफरेंस आया नहीं, इसी पर चर्चा कर दे रहा हूं। अब वो अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि आप लिए तो हमको भी लग रहा है कि थोड़ा, हम कहें कि हमसे पहले तो यार तू ही खरीद रहा था और अभी तक सिम चालू नहीं। आजकल पता चल रहा है कि वो कह रहा है कि कई कई लोग कह रहा है कि 3-4 दिन में BSNL का सिम चालू होता है, कहे कि चलो भाई कोई आश्वासन तो है। अब आप देखिए वो छोटा बंदा, अब वो कई लोग कह रहे हैं कि सर आप पढ़े लिखे हैं तो भी ठगा गए। यार यार वहां कई बड़े बड़े लोग उसके दुकान पर भीड़ लगाए, जो प्रोफेसर है कोई पढ़ा लिखा है वो सब भी ले रहा था। अब वो लड़का सबको कह रहा है कि माइक एक रखे हुआ है उसमें रिकॉर्डिंग है, हाँ बोल रहा है 2 महीना 2 GB, 2 महीना 2 GB फ्री, 150 में 2 GB। अब यहाँ तो भाई 1.5 GB एयरटेल का रिचार्ज कराइए तो 300-400 रुपया लगता है। आदमी सोचा कि चलो 2 महीना तो नेट चलेगा, और वैसे भी मुझे एक सरकारी सिम की ज़रूरत थी, तो हम भी सोचे चलो BSNL का वैसे भी सिम नहीं जल्दी मिलते रहता है, ले लेता हूँ, ले लिए। लेकिन 2 रोज परेशान रहे कई लोग। हमारे एक स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए तनवीर, तो वो कह रहा है कि सर आप ठगा गए। एक हिमांशु आता है पढ़ने के लिए तो भी कहा कि सर आप ठगा गए, ये सिम नहीं चलेगा। आज किसी ने मुझे फोन पर बताया है कि वही जो प्रखंड अध्यक्ष है ऑटो चालक संघ के, उन्होंने बताया हमें कि हमें भी जानकारी मिली कि 3-4 दिन के बाद चालू होता है। अब देखिए वो छोटा सा लड़का, मुश्किल से वो 17-18 साल का लड़का, और इतने लोगों को, और उसका एक जगह नहीं है, 2 घंटा बेचा, 2 घंटा साइकिल लगा फिर दूसरे जगह बेचा, क्योंकि 2 ही घंटा के बाद ना आदमी सिम लगाएगा, उसको कहता है कि 2 घंटा। आजकल पता चल रहा है, उसको आज चर्चा हुई है, तो वो कह रहा है कि वो सिम बेचने वाले को ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम अगर कहोगे कि 3 दिन के बाद चालू होगा तो तुम्हारा सिम ही नहीं बिकेगा, सिम यहां बेचना है तो 2 घंटा का नाम लेना, और फिर 2 घंटा वहां तुम्हें, 2 घंटे में मानकर चलो कि 25-30 आदमी का वो काट लिया, 100 आदमी का वो सिम दे दिया, बेच लिया, 2 घंटे के बाद फिर साइकिल चलाया और दूसरे मोहल्ला में चल दिया, कौन खोजने जाता है, सब अपने अपने घर में। और वो शाम के वक्त ऐसा बेचता है कि शाम के वक्त भाई 5-6 बजे बेचो, 7 बजे सब अपने घर में जाएगा, अभी ठंडी का माहौल है, कोई खोजेगा भी, और नंबर वो देता नहीं है किसी को, मोबाइल नंबर की बात भी करे, और नंबर ऐसा दे देगा जो आप उठा ही नहीं पाए।
और वो देखिए वो छोटा बंदा, उसको कंपनी वाले ने सिखला दिया उसको कि ट्रेनिंग दिया कि मार्केट में उतरकर तुम पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाओगे। आज मैं तुम्हें आपको मैं एक चीज आपको बता देता हूं, देखिए ये जो है ये आरसीएम का है, ये है न्यूट्री चार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट, इसका 1800 रुपये लेते हैं। और हम लाए, हमारी वाइफ अभी आरसीएम ज्वाइन किए तो बेचती उसकी रहती, तो इसमें देखे उसको एक बार, पता है वो डायबिटीज का है, वो टोटल 3200 रुपये का आता है सेट, मैं दो बार खरीदा हूं, ये तीसरे बार लाए, कोई फायदा नहीं। आप ये समझ रहे हैं ना, ये ठीक हॉर्लिक्स वाला जो है ना, उसमें हॉर्लिक्स बेचता है मुश्किल से मुश्किल 100-150 का इस पैकेट है, 100-150 का माल इसमें होगा, इसका 1800 रुपये लगता है। एक बायोवेज है उसका टेबलेट का, 30 टेबलेट का 1200 रुपये रखे हुए 1200। मेरी तो दिमाग खराब होता है कि भाई ये कंपनी वाले सब कैसे पब्लिक को गधा बनाता है, अब पब्लिक के पॉकेट से कैसे पैसा निकालना है, अब बेवकूफ बनाना है, सारा बेवकूफ बनाने का चक्कर। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं तो टीचिंग लाइन में हूं, मैं सच बोलते रहता हूं बच्चों को, तो कई बच्चा है बोलता है कि आप सच बोल रहे हैं। हमारे आज एक वो बच्चा आया था पढ़ने, आप बहुत दिन पहले से भी चर्चा इस बात की। अब एक बात बताइए, हम अभी फिजिक्स ये पढ़ा रहे हैं, ये तो थोड़ा सा चलो आप देखी गई बात है, आंखों से बस ट्रक देखते हैं। एक बात बताइए, मैं एक रोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अचानक बातें निकली, हमारे गांव के मुखिया जी का लड़का ऊपर रहा था, हमारी मैडम भी है, मैंने इसको कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहे थे, हमने कहा कि देखो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मुझे ही खुद समझ में नहीं आती, हम तो वही बात पढ़ाते हैं जो किताब में लिखी गई है, और जो किताब की बात ही आपको हम पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाई को क्या पढ़ाना कहें कि मुझे ही समझ में नहीं आता। अब बहुत सारे टीचर उसको खुद समझ में नहीं आता है लेकिन आपको कहेगा कि समझा, बात ऐसी है, सच बोलना नहीं कोई चाहता है। अब एक बात बताइए, फोटोसिंथेसिस हम पढ़ाते हैं, उसमें ये C6H12O6 ये बनता है ग्लूकोज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन से बनता है, और उसमें क्लोरोफिल है, सनलाइट है। भाई एक बात बताइए, तो मैंने क्लोरोफिल को कभी देखा, देखा ही नहीं, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड को देखा, C6H12O6 इसका स्ट्रक्चर है 12th क्लास के बायो मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में, वो स्ट्रक्चर किताब की है तो वही किताब की स्ट्रक्चर बना देता हूं, मैंने देखा तो नहीं। और जिस चीज को हमने देखा नहीं आंखों से उस चीज को हम समझा कैसे रहे, जिस चीज को हमने देखा नहीं आंखों से उसी चीज को हम समझा रहे हैं तो क्या फायदा। कहेगा कि वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है उसमें केमिकल बॉन्डिंग में ये वाटर है, भाई यहां पर 104.5 डिग्री का एंगल बनता, हमने कभी देखा है, कह रहा है कि इस पर लोन पेयर भी है, भाई किताब में जो लिखी गई बात है उसको पढ़ा दे रहा हूं, और किताब की लिखी गई बातों को ही आप अगर पढ़ा रहे हैं तो इसमें समझाने की कौन सी बात है। और टीचर कहेगा कि तुमने समझा, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, मैं 25 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथ्स का मैं स्पेशलिस्ट हूं। अरे भाई आप स्पेशलिस्ट तो हैं लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे कि आप भोंदु बन गए, जो स्पेशल टीचर है वो भोंदु होता है, और उस टीचर को खुद कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो तो किताब में एनसीईआरटी में या रेफरेंस कोई बुक में लिखा हुआ है लिखी गई बात को पढ़ा देता है। मैंने आरसीएम के किसी प्रोडक्ट का मैंने देखा इस पर लिखा हुआ, कोई आरसीएम का कोई भी जितना भी एजेंट है वो
जो आपको कहेगा कि इसमें ए रखा है, इसमें ओ रखा है, इसमें ए कंटेंट है, तो कहेगा देखिए इस डब्बा पर लिखा गया है। बस डब्बे पर जो लिखी गई बात है उसी पर लोग विश्वास करके उसको खरीद लेते हैं, लेकिन इसमें रखा क्या गया है ये कस्टमर को पता नहीं, और ना तो बेचने वाले कोई आरसीएम के कैंडिडेट को पता है। कह रहे हमारी कंपनी कह रही है, अरे भाई आपकी कंपनी गलत भी कहेगा, इसमें जितना लिखा है उतना तुमने नहीं रखा होगा, और आप पढ़े लिखे लोग हैं और आपके दरवाजे पर एक कम पढ़ा लिखा औंठा छाप आदमी और उसको कंपनी वाले ट्रेनिंग देते हैं कि तुम्हें जोर जोर से बोलना है, मोटिवेट करना है, उसको ये कहना है कि एक बार खा करके देखिए जरा, एक बार खा कर देखिए जरा, और खा कर देखेगा तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, ये ऐसा तो नहीं है कि इसमें फायदा वाली बात ना, लेकिन जितना जो कह रहा है कि इसमें ये कंटेंट है हम कैसे समझेंगे कि इसमें वो कंटेंट है, ये क्या क्या लिख दिए हुआ है, इतना इतना ये क्या क्या लिखे हुआ है, हमें क्या पता है डब्बे में है कि नहीं, है ही नहीं, कैसे समझेंगे, सारी दुनिया गोलमाल है। अब देखिए एक सामान्य छोटा सा बच्चा वो सबको कह रहा है कि दो घंटे के बाद सिम चालू होगा, दो घंटे के बाद सिम चालू होगा, दो घंटे के बाद सिम चालू होगा, और दो घंटे वो साइकिल पर छतरी लगा करके 100 आदमी से 150 रुपया ले लिया, 15,000 रुपया उसको हो गया, और सब आदमी चिल्ला रहा है साला दो घंटे के बाद फोन कर रहा है कि भाई सिम लगाया नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, 4 रोज हो गए। भाई हमारे तो एक प्रखंड अध्यक्ष थे तो उनसे हमने बातचीत किया तो कह रहा है कि मेरा भी नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे वहां पर मैंने हम तो 5 मिनट वहां खड़े रहे अपना सिम लेने के लिए तो वहां 10 आदमी खड़ा था। अब पता चल रहा है कि वो आदमी उस जगह पर है ही नहीं, हम दो बार गए वहां पर है ही नहीं, और वो हमारे प्रखंड अध्यक्ष है ऑटो चालक संघ के, वो भी गए वहां तो कह रहे हैं कि सर कि यहाँ नहीं है, अब वो किसी दूसरे में, वो कहा कि रीगा रोड में है, पता जब वहां गया तो वहां नहीं, और वो दो घंटा से ज्यादा एक जगह पर नहीं रहता, कारण है कि दो घंटे के बाद तो आदमी सिम लगाएगा, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा तो तुरंत इसके आएगा साले तुमने बोला दो घंटा, और वो जानता है है मामूली 7वीं 8वीं पढ़ा लिखा बच्चा, 10वीं पढ़ा लिखा होगा, 17-18 साल का वो लड़का है, और देखिए हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को चूतिया बनाकर चला गया। तो जितने भी आपको कंपनी वाले मिलेगा उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी कस्टमर के पॉकेट से पैसा कैसे निकालना है। हम तो पढ़ाते वक्त सच बोलते रहते हैं, दिल्ली में भी हम बहुत जगह पढ़ाए और हमें पता है कि हम जैसे टीचर अगर झूठ बोलना शुरू करें और ठगना शुरू करें तो आकाश और फिटजी से बहुत बड़ा हम सेंटर खोल देंगे। आकाश फिटजी में क्या है, कोटा में क्या है, आपको पता नहीं है, आपके जेब से वो पॉकेट से पैसा कैसे निकालता है उसकी टेक्निक को आप पकड़िएगा तो आपके आंखें फटी रह जाएंगी। और आकाश और फिटजी से जो बच्चा सब इंजीनियरिंग और मेडिकल में जो जाता है वो हम जैसे टीचर की मेहनत की कमाई है, हम जैसे टीचर ने उसको 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में उसको उस लेवल बनाया। दिल्ली के किशनगढ़ गांव वसंत कुंज में एक उदाहरण मैं बताता हूँ, नाम नहीं बताना चाहता, उस बच्चे को मैंने 6 से लेकर के बढ़िया से अच्छा से पढ़ा दिया, सोचे कि 11th 12th क्लास में हमारे पास आएगा, वो स्कॉलरशिप टेस्ट दिया आकाश वाले उसके तरफ चला गया, बेस बनाया हुआ मेरा, मेहनत किया हुआ मेरा, और आकाश और फिटजी वाले मौज कर रहा है, और उसके यहाँ 2 लाख बच्चा हो गया, 2 लाख बच्चा में हम जैसे टीचर का मेहनत किया हुआ स्टूडेंट उसके पास चला गया, 11वीं 12वीं में पढ़ा करके और उसको डॉक्टर इंजीनियर बना लिया, अपना फोटो छापता है कि ये मेरा बच्चा है, जबकि उस बच्चे को 9th 10th क्लास में ही मैं 11th एंड 12th क्लास पढ़ा करके बेस बनाया कि हमारे पास टिकेगा 11th 12th क्लास में, उधर वो आकाश फिटजी में भाग गया स्कॉलरशिप टेस्ट देकर, फ्री में जा रहा बनाया हुआ मेरा है। तो पैसा कमाने के लिए बुद्धि की जरूरत है, मेहनत की जरूरत नहीं, और मेहनत हम जैसे टीचर अगर करें तो कोई साले पैसे ही नहीं देगा, कहेगा अरे यार क्या, यहाँ की भी बुरी हाल है सीतामढ़ी का, सीतामढ़ी का तो और बुरा हाल है, और दिल्ली में तो मैं 16 साल पढ़ा करके खैर मार्केट हमने बनाया जो आज भी दिल्ली का बच्चा पढ़ रहा है,
तो इतनी बात मैंने इसलिए कहा कि ये रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम फिजिक्स में कितना भी पढ़ा रहे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ हम कितना भी पढ़ा दें, लेकिन घर की हम वायरिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग है उसको ट्रेनिंग दिया हुआ है वो वायरिंग करके चले जाता है और घर की वायरिंग वह करके चले जाएगा, उसको ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ पूछिएगा तो उसको पता भी नहीं, जबकि आपके घर की वायरिंग करके चले जाएगा। तो भाई किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे ऐसे गांव, ऐसे ऐसे बच्चे सब, ऐसे ऐसे धूर चतुर चलाक आपको लोग मिलेंगे कि आपको नंगा कर देगा दो मिनट में, कर दिया वो BSNL के सिम बेचने वाला कर दिया मेरे, हालांकि अब तक सिम चालू नहीं हुआ है, हो सकता है कल परसों में चालू हो जाए, लेकिन आखिर वो तो नंगा कर ही दिया ठग करके। और छोटा बच्चा है, पढ़ा लिखा नहीं है, अटाई लगा करके बहुत सारे लोग उसका सिम खरीद रहा था कि दो घंटे में सिम चालू होगा, पता समझिए कि वो कितने लोगों को बावला बना, और पता है उसको, इसलिए एक जगह पर वो नहीं बेचता है, दूसरे जगह बेचेगा, तीसरे जगह बेचेगा, आज वो बेचेगा यहाँ, कल वहाँ बेचेगा, परसों वहाँ बेचेगा, जहाँ आदमी नहीं पहुँच सकता है, माथे पर मास्क लगाए हुआ है, अब वहाँ जाकर कहिएगा कि हमसे लिए, तो कहेगा हमसे नहीं लिया आप, दूसरे से लिए, क्या उसको आप मार सकते। ये सारा ट्रेनिंग टेक्निक है भाई, ये कंपनी वाले बिजनेस वाले ऐसे पाप के पॉकेट से पैसा नहीं निकालता, पैसा निकालने के लिए उसको दिमाग की जरूरत होती है और वो दिमाग अप्लाई करता है आपके पास, और बेवकूफ से बेवकूफ आप जैसे डॉक्टर इंजीनियर को नंगा करके ठग करके चला जाएगा, ये दुनियादारी है।